कहानी की शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो ये पिता उसकी बेटी की कार की दरवाजा पर लिपस्टिक लगा रही थी। तभी बेटी जाने के बाद रास्ते पे उसका बॉयफ्रेंड को बुला के कार के अंदर बिठा देता है। और तभी उसकी पिता को दिखाया जाता है जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, उसका नाम शिवम होता है, तो शिवम को कार की लेकर आने को बोल देता है। तभी उसके हाथ में लिपस्टिक दे के पूछने लगता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, और शिवम झूठ बोल देता है। लेकिन वो मन में सोचने लगता है। उसके बाद उसकी बेटी आ जाता है। तभी उसकी बेटी को पूछा क्यों इतना ऑफिस से जल्दी आ गया, और बेटी ने जवाब दिया सर दर्द होने से घर पे आराम करने के लिए आ गया है। लेकिन वो आदमी डायरेक्ट बोल देता है कि ये रिलेशनशिप बंद करो, और तभी उसकी बेटी को दो छप्पड़ मार के रूम के अंदर डाल के लॉक कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिला कमेंट पर बताना।